أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی جو مفن کی ویڈیو ہے وہ ہماری ENG201 بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش رائٹنگ کی جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ہے. تو آئیے ہم لوگ اپنے کوئز کو دیکھتے ہیں. اس میں فرسٹ کوشچن ہے جی, مسٹر اینڈ مسز اینڈ ایم ایف اینڈ ایم آر ایف اور پروفیشنل ٹائٹل, اسٹینڈرڈ ٹائٹل, courtesy title and none of the given option. When we are using MR or MS or Mrs. So it means that we are using professional titles. That means that the correct answer of this question is professional titles. So first wala jo hai hamara theek jawab hoga ji. Next question hai ji, AN fill in the blanks should contain necessary information about the service and product offered. इसमें फर्स्ट है जी प्रपोजल, सेकंड है ऑर्डर. प्रपोजल इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच एन कंपनी ऑफर. एंड ऑर्डर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रपोजल, क्योंकि ऑर्डर के अंदर हम चीज़ मंगवा रहे होते हैं और प्रपोजल के अंदर हम कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं. तो इसका जो फर्स्ट वाला है वो इसका ठीक जवाब होगा जी. थर्ड क्वेश्चन है जी, सेलेक्टिंग द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द चिल्ड्रन फॉरगेट देयर होम वर्क फिल इन द ब्लैंक्स द टीचर was angry with him. After है जी, while है जी, so है जी, because है जी. The children forget their homework. बच्चे जो हैं अपना काम करना भूल गए हैं. So that the teacher was angry with them. और teacher जो है ताहम उनसे जो है वो नाराज है या उन पर गुस्से है. Next question है जी, choose the right option to fill in the blank. Do you mind fill in the blank here? I fit, my fitting, mine fitting and I fitting. So do you mind that my fitting here? क्या आप मेरी यहाँ पे बैठने fitting जो है उससे नाराज़ हो रहे हैं? तो यहाँ पे I think my fitting आ जाएगा जी, second option. Next question है जी, which of the following give you an opportunity to get your message across to spectral or hostile audience? फर्स्ट ऑप्शन है जी डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, परसुएसिव अप्रोच एंड इंस्ट्रक्टिव अप्रोच. तो इसमें थर्ड वाला जो है परसुएसिव अप्रोच को हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग विद द स्पेक्ट्रल एंड हॉस्टाइल ऑडियंस. तो थर्ड वाला जो है हमारा ठीक जवाब आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉर्मल मिनट्स आर ऑफन required by federal, state or local law, by law, character or religions. इसमें हमने true और false बताना है. तो formal minutes जो हैं वो वाकई federal, state, local law ये बाकी ये सारी चीज़ें use करती हैं. तो ये हमारा ठीक होगा, मतलब true होगा. तो first वाला जो है इसका ठीक जवाब बन जाएगा. Next question है जी, which of the following help you to focus meeting on the core topics and control it space and flow? फर्स्ट है जी एजेंडा, सेकंड है जी मिनट, थर्ड है जी प्रपोजल एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. तो एजेंडा जो है दैट इज़ द कोर जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं. तो इसलिए हमारा जो है एजेंडा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका ठीक जवाब आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन हाउ मैनी पार्ट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल कैन बी ब्रोकन डाउन, के कितने हिस्सों में प्रपोजल का स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है. इसमें 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है. वैसे बुक के अंदर हमें 7 दिए गए हैं, लेकिन कोर जो है वो 3 है, क्योंकि 7 इसके अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है. तो इसलिए मैंने मतलब इसका फ्रंट है, एक बॉडी है और एक एंड वाला है. तो इसलिए मैंने 3 के ऊपर इसको सेलेक्ट कर लिया. तो 3 वाला जो है आई थिंक इसमें हमारा ठीक आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई वा फिल इन दी ब्लैंक्स जैपनीज रेस्टोरेंट फिल इन दी ब्लैंक्स रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन में द और ए है, ए ए है और ए द है और दा है. तो मैंने यहाँ पे जो लगाया है आई वा इन अ जैपनीज रेस्टोरेंट द रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड. तो थर्ड वाला मैंने इसका ठीक लगाया है जी. लास्ट क्वेश्चन है जी, फिल इन दी ब्लैंक्स आर फंक्शनल यूनिट दैट रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल डॉट. इसमें सेंटेंस है, पैराग्राफ है, वर्ड्स एंड फ्रेज है. तो पैराग्राफ आर द फंक्शनल यूनिट टू रिवॉल्व अ सिंगल डॉट थॉट. तो ये हमारा सेकंड वाला जो है इसका ठीक जवाब बन जाएगा. दोस्तों
ये था हमारा क्विज़ ENG201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश टाइपिंग के हवाले से। मेरा चैनल देखते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।